नमस्कार, सुप्रभात। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के जक्कनपुर में होटल में शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब की पार्टी की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची। थाने लाने के बाद पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी थी। बता दें आपको कि SSP ने तत्काल सभी के गिरफ्तारी का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नशे में धुत थे। शराब की बोतल भी बरामद की गई है और यह मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब, शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रश्मि, गुप्त सूचना ये मिली थी पुलिस को, जक्कनपुर में एक होटल में वहां शराब पार्टी चल रही है। उस शराब पार्टी में होटल का मालिक मैनेजर दोनों शामिल है। पुलिस जब वहां पहुंची और पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, जब पुलिस को पता चला जो सूचना वो सूचना दही है और एक रूम में छापेमारी की गई, तो वहां से दो जो वहां ठहरने वाले लोग हैं, गेस्ट हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, होटल मैनेजर की गिरफ्तारी हुई और वहां से शराब की बोतलें, कई अन्य सामान को बरामद किया गया। अब सवाल ये लोग गिरफ्तारी के बाद इन सभी को लेकर पुलिस चली आई थाने, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगी कि इस पूरे मामले की जानकारी पत्रकारों को हो चुकी है। जो जक्कनपुर थाना अध्यक्ष हैं, जक्कनपुर के जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग गए थे छापेमारी में, उन लोगों ने पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की। इसके पीछे कारण यह था, जब उनसे पूछा गया कि क्या गिरफ्तारी हुई है, तो जक्कनपुर पुलिस का यह कहना था कि संज्ञान में बात आई है, जांच चल रही है। अब समझिए कि शराब के नशे में धुत व्यक्ति को पकड़ के ला रहे हैं और आप पत्रकारों से यह कह रहे हैं कि अभी जांच चली, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मामले को मैनेज किया जा रहा था। पूरे मामले की तत्काल जानकारी पत्रकारों ने पटना के SSP को दी। माना जी ढिल्लों ने तत्काल सूचना को ग्रहण करने के बाद तुरंत सभी की गिरफ्तारी का आदेश दिया और सभी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल सभी को जेल भेजा जा रहा है। अगर इस पूरे मामले में अगर पटना के SSP का आदेश नहीं होता, तो जक्कनपुर थाना अध्यक्ष और जक्कनपुर पुलिसकर्मी पूरे मामले को रात में ही मैनेज कर देते और पूरे मामले का खुराफा दफा करने में लगे थे। लेकिन तत्वगत आखिरकार शराबबंदी कानून है और पटना के SSP की जिम्मेदारी बनती थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है और फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो रूम है उस रूम को फिलहाल सील किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई में पुलिस चुकी थी। जी रश्मि, बिल्कुल बरगोपित, यानी एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि SSP के संज्ञान में जैसे ही ये पूरा मामला आया, जिसके बाद गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया। शुक्रिया मरगूब आपका तमाम जानकारी के लिए।